वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके जनाब। आज हम बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, खवातीन को एम्पावर करने की बात करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम इस पर अवेयरनेस भी दे रहे हैं, बहुत सारी खवातीन अपने इर्द-गिर्द देखते भी हैं। और आज भी हमारे पास इतनी ज़बरदस्त खवातीन मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही एम्पावर्ड हैं। हमारे से जनाब मौजूद होंगी नाजिया बाकर हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं पुलिस ट्रैफिक में, और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सवेरा सैफ जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। इरम बुखारी जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं, और रिसेंटली इन्होंने LLB भी किया है। और ये भी आज हमें बताएंगी कि ये थोड़ा मेरे ख्याल से एक अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप अपने करियर के साथ अपनी स्टडीज़ को भी परसू करें। उसके साथ साथ नीलम राज होंगी, मैं आपके एथलीट हैं, पहले भी शो का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये तीनों एम्पावर्ड खवातीन चारों बल्कि हमारे पास मौजूद हैं। कैसे हैं आप चारों? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर नाजिया आपकी जानिब आएंगे, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट आपके नज़दीक क्या है? खवातीन जो हैं, आप ये देखें किसी भी शोबे में हो, वो अपना लोहा मनवा रही हैं। अब हर फील्ड में आप खवातीन देख रही हैं। पहले तो ऐसे नहीं होता था, जो पहले हमारे पेरेंट्स होते थे तो वो बड़ा वो कोशिश करते थे कि हम लोग जॉब ना करें, हम जॉब में ना जाएं, ठीक है। और अब जो है एम्पावरमेंट, जो खवातीन की एम्पावरमेंट है, उससे हमको उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। खवातीन जो है वो जिस शोबे में भी हैं वहाँ पे आपको पता है कि कॉन्फिडेंस भी होगा, ईमानदारी भी होगी, दयानतदारी भी होगी, और हर जगह जो है खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं। किसी भी फील्ड को ले लें, जैसे आप हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को ही देख लें, वहाँ पे भी तकरीबन 125 के करीब जो हैं LED वार्डन्स हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं, फील्ड वर्कर बेसिकली जी हाँ, लर्नर पे भी हैं, इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल्स में भी हैं, रोड सेफ्टी यूनिट में भी हैं, और इसके अलावा जो है रोड्स पे भी ड्यूटी कर रही हैं। और अभी जो रिसेंटली लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट जो हैं वो उनको अपॉइंट किया गया है, वो भी रोड्स पे ड्यूटी कर रही हैं, और बड़े अच्छे तरीके से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है एक अच्छी सही हो गया। डॉक्टर सवेरा, विमेन एम्पावरमेंट में इसलिए बारी बारी सबसे पूछूँ कि हर एक अपने अंदाज में सोचते हैं, तो आपके नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखिए, हमारी पॉपुलेशन 52% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ फीमेल्स, ठीक है। और अगर हम अपनी फीमेल पॉपुलेशन का इतना बड़ा चंक को अगर हम एम्पावर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आप देखें, आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेटिंग योर चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को आप अपने एजुकेट करें, दैट इज़ व्हाट वेयर द वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी रूट एट योर होम। आप अपने घर में अपने बच्ची को पहले से ही काउंसिल करें, उसको एजुकेट करें, और उसको ये सिखाएं कि आपने सिर्फ घर में नहीं बैठना है, आपने दुनिया को फेस करना है, और आपने एक ऐसा इंसान बनना है जो कि दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। शुरू से अपने बच्चियों को अपने बेटों की तरह ही पालें, उनको ऐसा ही रखें कि जैसे उन्होंने बाहर दुनिया को फेस करना है। बिल्कुल, उसके अंदर कॉन्फिडेंस घर से डालें, और घर में अपने बेटों और बेटियों में फ़र्क ना करें, और उनको ये बताएं कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप लड़कों को सिखाएं कि वो औरतों की इज्जत करें और लड़कियों को बताएं कि वो अपना हिसाब में रहें। ठीक हो गया। इरम, आपके जानिब आए, विमेन एम्पावरमेंट आपके नज़दीक क्या है? पहले तो जब ये देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट वर्ड देखने में बहुत लोगों को इस चीज़ की नहीं अवेयरनेस, बहुत लोग समझते हैं कि ये कोई बाहर के मुल्क का वर्ड है, लेकिन इसको अगर देखा जाए विमेन एम्पावरमेंट यानी कि हम लोग अपनी औरतों को किस तरीके से एम्पावर करते हैं ताकि वो कोप अप कर सकें लाइफ में आगे, जैसे कि हम लोगों मेरी नज़रों में अभी तक वो चीज़ नहीं आई जैसा कि होना चाहिए, जो कि बाहर के मुल्कों में लेडीज़ एम्पावर हैं। हमारे मुल्क में लेडीज़ अभी इतनी एम्पावर नहीं है। अगर आप पास्ट को देख लें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल्स देख लें, तो क्या कहते थे कि इतनी ज़बरदस्त हदीस, इतनी ज़बरदस्त किसी और मज़हब में नहीं होगी जो उन्होंने बयान की कि माँ के कदमों तले जन्नत है, ठीक है। इसी तरीके से बेटी के बारे में उन्होंने कहा कि बेटी रहमत है। जब उनकी बेटी हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाती थी तो वो उनके उसमें उनकी इज्जत में, रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते थे और उनके लिए चादर बिछा देते थे। तो आप अगर हम पुरानी वैल्यूज़ देखें तो उस लिहाज से अब बिल्कुल भी बच्चों को उस तरीके से एम्पावर नहीं किया जाता। सूरतुल निसा देख लें आप, कुरान मजीद में सूरतुल निसा है, वो भी औरतों के लिए ही है ना। अगर हम सिर्फ एक इस्लाम को ही देखें ना तो उसमें इतना वेमेन एम्पावरमेंट है, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, और वेमेन एम्पावरमेंट हम लोग वहीं से देखते हैं कि औरतों की कितनी इज्जत है हमारे माशरे में। ठीक हो गया। नीलम, मैं बेसिकली स्पोर्ट्स की हूँ तो स्पोर्ट्स से ही बात करूँगी, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स में जो है वुमेन को अब देखा जाए तो काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं, क्योंकि हर फील्ड में जो है वुमेन
मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग करती हैं आप, इससे आप इससे बड़ी एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि एक बिल्डर लड़की हमारे पास बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की रिकॉर्ड होल्डर हूँ स्टिल अभी तक, और ये देख लें कि हम लोग मिसाल हैं पाकिस्तान के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशली, कि हम लोग किसी भी फील्ड में जो है ना अपने आप को मनवा के छोड़ती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो चाहे स्पोर्ट्स से हट के हो। तो इसीलिए फीमेल जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये हम सब जो है मिसाल एक बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक, और मैं ये मैसेज भी दूंगी सबको, सब माओं को, कि जो लड़कियां स्पेशली अपना मनवाना चाहती हैं जिस मर्जी फील्ड में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियों को बाउंड किया जाता है कि वो ये नहीं कर सकती, या तो उनको पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, परमिशन की वजह से उनके अपने ख्वाब भी अधूरे रह जाते हैं और फिर घर की दहलीज तक ही वो महदूद हो जाती हैं। बट बहुत सी ऐसी लड़कियां जो घर बैठ के और बाहर निकल के बहुत सारे काम कर सकती हैं, अगर उनको आप लोग निकालें बाहर के, वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, खवातीन को एम्पावर करने की बात करें, तो बहुत सारी जगहों पे बल्कि मेजॉरिटी, जैसे भी नीलम ने बात की, आपकी फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम होता है। फैमिली की तरफ से जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से कोई भी खातून एम्पावर नहीं हो सकती। डॉक्टर सवेरा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक कि घर में आपको सपोर्ट ना हो, आप बाहर की दुनिया को कैसे फेस करेंगे जाके। आपको घर से ही वो ताकत मिलती है, आपका जो सोर्स ऑफ पावर होती है ना, वो आपकी घर होती तो है। तो आपको कितनी सपोर्ट मिली आप अगर जब बाहर निकली जॉब पे भी, क्योंकि आप हॉस्पिटल भी जाती हो, फैमिली माशाल्लाह, तो उस तमाम तर चीजों को मैनेज करना और उसमें आपकी सपोर्ट होना कितनी। मैं तो कहती हूँ मैं जो कुछ भी हूँ आज अपनी फैमिली की वजह से। पहले सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, उसके बाद पहुँचाने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाल दी कि अब हमने तुम लोगों को तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, इसको आगे आपने परसू करना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। फिर आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड एंड माय फैमिली सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग आई वांटेड टू डू। उन्होंने कभी ये नहीं रोका कि ये प्रोफेशन नहीं करना या जॉब छोड़ दो या ये काम नहीं करना, बच्चे देखो। You have kids, mashallah. Yes, I have three kids. I'm taking care of my kids as well as I'm doing my specialization. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिली जो होती है इट्स अ बिग सोर्स ऑफ सपोर्ट। अगर वो नहीं हो तो आई थिंक आपके लिए दुनिया को फेस करना और भी ट्वाइस डिफिकल्ट हो जाता है। नाजिया, आपकी जानिब आए तो चूंकि आपकी तो फील्ड वर्क है, बहुत टफ ड्यूटी भी है, जब आपने ये ज्वाइन किया तो आपको किस तरह से आपके घर वालों ने सपोर्ट किया या कुछ रिलक्टेंट थे वो भी कि नहीं ये फील नहीं चूज करनी? पहले तो ये होता था जैसे मैंने पहले बात की कि लड़कियों को फील्ड में आना नहीं, मतलब पसंद नहीं करते थे कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाए। लेकिन मेरी परवरिश जो है मेरी मदर ने की, क्योंकि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी और मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे शुरू से मुझे शौक था कि मैंने पुलिस में आना है, क्योंकि घर में ना वाले साहब थे ना कोई भाई था, और कुछ आते भी इसी तरह की थी, लड़कों के साथ खेलना कूदना और को एजुकेशन में पढ़ना। तो मुझे शुरू से ही शौक था और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में आने के लिए। इसके अलावा बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे डॉक्टर ने डॉक्टर क्या आप माशाल्लाह इस मामले में लकी रहे कि आगे से भी आपको सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और वो अंडरस्टैंड करती हैं कि ये किस नेचर की जॉब। ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो फिर बहुत ज्यादा, कभी मुझे ये नहीं इन्फोर्स नहीं किया कि तुम छोड़ दो छुट्टी ले लो, कुछ भी नहीं, बल्कि हमेशा मुझे करीजी करती है। जबरदस्त जबरदस्त। इरम, अब आपने भी अभी चूंकि एलएलबी भी किया, आप अभी बता रही थी, तो किस तरह से फैमिली आपकी कितनी सपोर्टिव रही आपकी पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स भी कोई एक आसान फील नहीं है, उसके अलावा भी आप सोशल वर्क भी करती हैं, उसके लिए भी आपको फील्ड में रहना पड़ता है, तो घर की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। घर की सपोर्ट तो मुझे बहुत है, मैं किसी को कोई कमी होने ही नहीं देती। हस्बैंड को हस्बैंड का दिया, जो काम शाम हुए बच्चों को उनके साथ, बच्चों को इवन पिक एंड ड्रॉप भी मैं खुद करती हूँ, पढ़ाती भी मैं खुद हूँ। और LLB जो मैंने किया, LLB इसलिए किया कि मैंने ये गरीब लोगों का देखा कि ये बेचारी फीसिस, इनके जो केसेस होते हैं ये लोग फीसिस नहीं दे सकती, और मैं वैसे भी फारिग होती थी, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने LLB सोचा, LLB किया, और आई हैव डन दिस फॉर पुअर पीपल। लवली लवली। और वेट लिफ्टिंग, एथलीट बनना, बहुत सारे पेरेंट्स तो ख्वाहिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लड़की जात है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फैमिली कितनी सपोर्टिव है? स्टार्टिंग जब मैंने की थी तब मैं स्कूल लेवल पे खेलती थी, तो वहाँ से जब मैंने स्टार्टिंग की तो स्कूल में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ना, बस आपने स्कूल्स के इवेंट्स खेलने हैं तो आपने घर आ जाना है।
تو جب مغرب کی اذان کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں عورت جو ہے وہ اس سے لیٹ نہ ہو, اس سے پہلے پہلے گھر آ جائے, تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے پیرنٹس کہتے تھے کہ جلد سے جلد گھر آنا چاہیے. بٹ الحمدللہ میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بلکہ بہت باتیں کی تھی جب میں فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی تھی کبڈی کا, تو ہم لوگوں نے پاکستان کا یونیفارم جو ہوتا ہے وہی ہم لوگوں نے پہنا ہوا تھا, ایون کہ ہم لوگوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی تھی, انہوں نے تو شارٹس پہنی ہوتی ہے نا ساری کنٹریز والوں نے, ہم لوگوں نے ٹائٹس پہنی تھی اوپر شارٹس پہنی ہوئی تھی. تو بٹ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 2013 میں جب پہلا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی, تو میری ریلیٹیوز نے میری فیملی کو اتنی باتیں کی کہ دیکھو انہوں نے دوسری کنٹری میں نکال دی اپنی لڑکی کو, اور اس نے ڈریس کیا پہنا ہوا ہے, اس کا ڈریس تو دیکھیں ذرا آپ, حالانکہ ڈریس نارمل تھا. ایون کہ وہاں پہ انڈیا کی ٹیم نے اسپیشلی پاکستان کی ٹیم کو کہا تھا کہ نہیں جی ان کی ٹائٹس جو ہے نا وہ اوپر کروائیں, تو ہم لوگوں نے کہا تھا ہم لوگ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے یہی ڈریس میں میچ کھیلنا ہے, اگر آپ نے ٹھیک ہے ادروائز ہم لوگ کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو بٹ انہوں نے پرمیشن دے دی تھی, پھر ان کو بھی پتا تھا ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے پاکستان کو جب ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے اسلام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میرے خیال سے بہت سارے کمفرٹ میں نے ایک پلیئر دیکھی جو حجاب پہن کر کھیلتی ہیں, مطلب اس طرح کی تو آپ کو آزادی ہوتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی گھر والوں نے اگر سپورٹ کیا تو آگے آپ کھیلتی رہی. میرے جب ریلیٹیوز نے میرے گھر والوں کو اتنی باتیں سنائی کہ نہیں جی انہوں نے یہ کر دیا, گھر والے چپ رہے کیونکہ وہ مجھے الحمد للہ سپورٹ کرتے رہے شروع سے ہی. جب میں پہلا میڈل لے کر آئی تھی تو میں نے امی کو کہا تھا بس ٹھیک ہے میں پہلا میڈل لے کے چھوڑ دوں گی گیمز, تو جب پہلا گولڈ لیا اس کے بعد اور شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں میں نے کچھ بننا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان کی ریکارڈ ہولڈر ہوں ویٹ لفٹنگ میں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹوٹل کیا میں نے ویٹ اور پاور لفٹنگ دونوں میں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ باقی لڑکیاں بھی جو جو فیلڈ میں ہیں وہ اپنا منوانے کے لیے آگے آئیں, کیونکہ جب فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے پھر اب وہی ریلیٹیوز ہیں جو میرے گھر والوں کو کال کر کے پوچھتی ہیں اس کا میچ کب ہے, اس نے اب کہاں جانا ہے, اور اب وہ سب کو بتاتے ہیں یہ ہماری بھانجی لگتی ہے, یہ ہماری بھتیجی لگتی ہے, کیونکہ اس طرح کی مثال ہم لوگ کو بننا چاہیے. یہ واقعی باتیں بات کی بعد میں رہ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ چاروں کا بہت شکریہ. جناب چار امپاورڈ خواتین ہمارے پاس موجود تھیں, ایک میسج ہم نے دیا ہے ویمن امپاورمنٹ کو ہم بھی ڈیفینیٹلی سپورٹ کرتے ہیں, اور اب اویئرنیس آ رہی ہے تو ہر ایک کچھ اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور اپنی خواتین کو امپاور کرنا چاہیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ لاہوری تیار ہو جائیں ہیلمٹ پہننے کے لیے, نہیں تو جرمانہ بہت بھاری ہے. ملتے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے جاگو لاہور. I'm bad.